महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर अनेक जण बिनधास्तपणे विनामास्क फिरत आहेत. अशाच विनामास्क फिरणाऱ्या वाहन चालकांना उल्हासनगरमधील SST कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी मास्कचे वाटप केले. कॅम्प 4 विनस चौक परिसरात आज वाहतूक पोलीस आणि SST कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी कोरोना नियमांसंबंधी जनजागृती केली. यावेळी अनेक जण गाड्यावर विनामास्क फिरत होते, त्यांना थांबवून या विद्यार्थ्यांनी मास्क देत ते लावण्याची विनंती केली. विशेष म्हणजे या विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या बचतीतून हे मास्क विकत घेऊन त्याचे वाटप करत हा कार्यक्रम राबविला. आज हमारे SST कॉलेज DLLE विभाग की तरफ से हम लोग एक जन जागृति का एक उपक्रम यहाँ पे कर रहे हैं. इसमें हमको ट्रैफिक डिपार्टमेंट उल्हासनगर 4 के ऑफिस के सहयोग से ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है. इसके माध्यम से हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी ये कोरोना महामारी गई नहीं है पूरी तरह से, और अगर हमको उल्हासनगर को कोरोना मुक्त करना है तो हमको गवर्नमेंट के दिए हुए सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा. और उसमें सबसे पहला अहम नियम ये है कि बिना मास्क के कोई भी बाहर नहीं निकलेगा. तो ये जन जागृति के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज के DLLE डिपार्टमेंट के यूनिट्स के स्टूडेंट्स और टीचर्स जो भी यहाँ पे वाहन चला रहे हैं या जो पैदल जा रहे हैं, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको हम लोग संदेश दे के ये मास्क उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी बाहर निकलो तो कोशिश करके आप बिना मास्क के बाहर नहीं निकले. उल्हासनगर को कोरोना मुक्त करने में सरकार की और पूरे समाज की सहायता करें. जय. आज जो SST कॉलेज के थ्रू DLLE ये डिपार्टमेंट जो बच्चों का बना हुआ है, लर्निंग कर रहे हैं, इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत ही अच्छी वर्किंग की है. मैंने देखा खुद होके, हम लोग ने एग्जांपल लिए. इन्होंने फूड पैकेट्स भी बांटे. जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको फूल दे के उन्हें फेलिसिटेट किया. आज बच्चों ने अपने पैसे से, अपने पॉकेट मनी से मास्क लेके हमारे वीनस चौक के फाउंटेन का जो चौक है वहाँ पे आकर उन्होंने मास्क देने का कार्यक्रम बनाया है. मैं अप्रिशिएट करूँगी पुरस्वानी सर जी का, जो उन्हें ये बढ़ावा देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जो उन्हें गाइड करते हैं सभी का, और साथ में ये जो DLLE जो लर्निंग कर रहे हैं बच्चे, सबको मेरी तरफ से गुड लक. आगे इसी तरह से हर समाज के बच्चे ना आगे आना चाहिए, सोसाइटी ने आगे आना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. नमस्कार. आज SST कॉलेजच्या माध्यमातून मास्क जे लोक वापरत नाहीत त्यांना जनजागृती व्हावी यासाठी SST कॉलेजच्या माध्यमातून उपक्रम आप विनस चौकामध्ये आपण राबवतो आहे. खूप चांगला प्रोग्राम सरांनी आयोजित केला आहे. त्या माध्यमातून लोकांना याचा अवेअरनेस आहे, परंतु लोक कंटाळा करतात. आणि आपण का घालावा, आपण ह्यांनी घातला का, त्यांनी का नाही घातला, या प्रश्नामध्ये जास्त लोक इंटरेस्ट दाखवतात. परंतु असं न करता समाजाच्या हेतूने प्रत्येकाने हे परिधान करणं, मास्क हे लावणं बंधनकारक आहे. गव्हर्नमेंटच्या तशा गाईडलाईन्स पण आलेल्या आहेत, परंतु पालन करताना तंतोतंत दिसून येत नाही नागरिक. यासाठी ह्या कॉलेजच्या माध्यमातून जो तुम्ही संदेश जनजागृती मार्फत देत आहे, यासाठी वाहतूक विभागाकडून तुमचं धन्यवाद देतो सरांचं पहिले मी. आणि तुम्हाला काही मदत असेल या संदर्भात आम्ही करायला तयार आहोत. आणि हा कार्यक्रम असेच पुन्हा पुन्हा तुम्ही राबवत राहावे यासाठी वाहतूक विठ्ठलवाडी वाहतूक विभागातर्फे तुमचा सतशः धन्यवाद करतो. धन्यवाद. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.